हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पंजाबी कढ़ी की रेसिपी। और ये कढ़ी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाहें तो चपाती राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ ये बढ़िया सी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पंजाबी कढ़ी की रेसिपी। तो ये मैंने दही लिया है और ये मेथी दाना है, ये हमारा मस्टर्ड सीड है, ये मिर्च लिया है मैंने, और ये हींग पाउडर है, ये करी लीव है, और ये बेसन लिया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि सबसे पहले मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, इसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। तो चलिए चाय को छानते हैं और पीते हैं चाय, और फिर बनाएंगे मसाला, सॉरी पंजाबी कढ़ी। तो कौन कौन चाय लवर है और किस किस को चाय पीना पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो चाय की सबसे बड़ी वाली फ्रेंड हूँ और ये है मेरा एक मेरा फेवरेट वाला चाय कप, तो मैं इसे इंजॉय करती हूँ साथ में आप लोग के साथ शेयर करते हैं। चलिए अपनी कढ़ी, तो चलिए सबसे पहले मैं बेसन को अच्छे से फेंट लूँगी, फिर बनाऊँगी कढ़ी। तो हम लोग ले लेते हैं करीब एक कटोरी के लगभग बेसन लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और हल्दी पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कढ़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले हम पकौड़ा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी के लगभग बेसन लिया है, इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से फेटेंगे क्योंकि अगर हम बेसन को अच्छे से नहीं फेटेंगे तो हमारी पकौड़ी अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगी, तो इसलिए हमें बेसन को बहुत ही अच्छे से फेटना है। आप इसे 100 times अच्छे से फेटेंगे तो इससे आपकी पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो मैं इसे फेटने के लिए अपने हैंड का यूज करूँगी और बढ़िया से इसे फेट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं इसको, जिससे कि हमारी पकौड़ी सॉफ्ट बने, लेकिन मैं कोई भी बेकिंग सोडा का यूज नहीं करूँगी। मैं इसे हमेशा हाथ से ही फेटती हूँ क्योंकि बेकिंग सोडा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और बार बार हमें उसे कुकिंग में यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं हाथों का यूज करके बढ़िया से ये अपना बेसन को फेट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा चाय पीने का मन कर रहा है तो मैं मॉर्निंग में 2 से 3 बार चाय ज़रूर पीती हूँ। जब तक कि मैं चाय नहीं पीती तो मुझे अच्छा सा फील नहीं होता है, फ्रेश फील नहीं होता है। ससुराल में मैं रहती हूँ तो मेरी सासू माँ भी मुझे चाय बना के देती हैं, और तो यहाँ मैंने खुद से ही चाय बना लिया है। तो चलिए फिनिश करती हूँ अपना चाय का कप, फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ अपनी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो दोस्तों, ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है और मैं आपको एकदम विलेज स्टाइल में बता रही हूँ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना बेसन अच्छे से मैंने फेट लिया है और ये बढ़िया सा सॉफ्ट हो चुका है। फिर
चलिए फ्राई करते हैं हम अपनी कढ़ी पकौड़ी। तो मैंने ऑयल को रख दिया है गरम होने के लिए। जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा हम तभी अपनी पकौड़ियों को फ्राई करेंगे। इससे हमारी पकौड़ी बहुत अच्छी सी बनती हैं। तो हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इस तरीके से छोटी छोटी सी इसकी पकौड़ी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पकौड़ियाँ कितने अच्छे से फूल रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक बार इस तरीके से ये कढ़ी की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम लोग के गांव में हमारी दादी और हमारी मम्मी इसी स्टाइल में कढ़ी बनाती हैं और वो कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं अपनी पकौड़ियों को। तो धीरे धीरे करके मैं सारी पकौड़ियों को ऐसे ही इसी में ऐसे ही तोड़ते जाऊंगी। हमें छोटे छोटे पीसेस में ऐसे पकौड़ियों को इसमें कढ़ाई में मैंने चारों तरफ से सारी पकौड़ियों को इसमें डाल दिया है। और आप देख सकते हैं सारी हमारा हमारे जो सारे पकौड़े हैं वो कितने अच्छे से एकदम से फूल गए हैं। तो अगर इस तरह हमारी सारी पकौड़ियाँ बनेंगी तो हमारी कढ़ी में जाकर वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और हमारी कढ़ी बहुत ही टेस्टी आती है। तो मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। मीडियम मीडियम आंच में हमें सारे पकौड़ी को तलना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना है। तो चलिए, अब एक साइड हमारी पकौड़ियाँ तल गई हैं, दूसरे साइड से भी इसे बढ़िया से अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आज मेरा कढ़ी खाने का मन मन कर रहा था। मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। तो हमारी सारी पकौड़ी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। 2-3 मिनट और वेट करेंगे, इसके बाद हम अपनी सारी पकौड़ियों को निकाल लेंगे। फिर हम अपनी कढ़ी में तड़का लगाएंगे। तो चलिए, अब हम अपनी सारी पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। तो किस किस को कढ़ी खाना पसंद है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 2-3 मिनट के लिए मैं फिर से फ्राई कर रही हूँ और इस कढ़ी के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो चुकी है। तो पहले अपनी कढ़ी बना लेते हैं, इसके बाद दोबारा से हम अपनी चाय पियेंगे।
चलिए दोस्तों, मैं अपनी सारी पकौड़ियों को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ी लगा दी है और हमारी कढ़ी बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो दोस्तों, कढ़ी को हमेशा मीडियम फ्लेम में ही पकाना चाहिए। जब कढ़ी धीरे धीरे पकती है तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। फिर मैंने नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके कढ़ी को मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है क्योंकि कढ़ी मुझे गाढ़ी लग रही थी, तो हमें कढ़ी को ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ना ही बहुत पतला रखना है, मीडियम रखना है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी उबलने लगी है और कितनी टेस्टी लग रही है। मैं दूसरे साइड में रोटी भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने डिनर में कढ़ी बनाया है, रोटी बनाई है और इसके बाद राइस बनाऊंगी। कढ़ी भी हमारी दूसरी साइड उबल रही है। मैंने गैस का